मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 6 की संस्कृत का 9 चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, नवम पाठ मतलब 9 चैप्टर है। लटर लकार भविष्य काल फ्यूचर टेंस। ओके, कौन सा टेंस है? फ्यूचर मतलब भविष्य का, जो आने वाला, जो अपना समय होता है आने वाला, ठीक है, उसके बारे में। तो प्रथम पुरुष तीनों वचन, उसका क्या पढ़ेंगे अपन? प्रथम मतलब फर्स्ट पढ़ेंगे अपन इसका, तो उसमें तीनों वचन में पढ़ेंगे। तो भविष्य काल, जो फ्यूचर काल है आपका, सपोज हमने आपको बोला कि कल, जो आने वाला कल है, कल क्या करना है? सबको होमवर्क करना है और लर्निंग वर्क करना है, हमने बोल दिया, ठीक है। अब आपको कल, जो भविष्य है, जो कल आने वाला है, तो आप क्या करोगे? उसको पढ़ोगे, ठीक है। मैंने कहा कि कल ये पढ़ के आना, तुम कल पढ़ के आओगे। मैं बोलूँगी कल ये ब्लैक बोर्ड पूरा रफ हो जाना चाहिए, मतलब साफ हो जाना चाहिए। तो क्या होगा, भविष्य में आने वाले जो होता है, हम उसके बारे में क्या बोलते हैं, बताते हैं। और इसमें क्या यूज होता है? सह तो ते, किसी का नाम। ओके, नाम अपन किसके बारे में बताते हैं कि ये कर रहा है, ये चीज गिर रही है, ये करने वाला है। ओके, तो इसमें हम ये सब चीजें बताएंगे। आगे बात समझ में बच्चों? तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सह पठिष्यति। सह पठिष्यति मतलब वह पढ़ेगा। ओके, हम किसी के बारे में बोल रहे हैं कि वह क्या करेगा, पढ़ेगा। तो सह संस्कृत पठिष्यामि, वह क्या पढ़ेगा? संस्कृत पढ़ेगा। ओके, आगे बात समझ में। उसके बाद सेकेंड है तो पाश्यतः। क्या है तो पाश्यतः? पाश्यतः मतलब ना मतलब होता है पीना या पिएंगे, ठीक है। तो मतलब इसमें एक के बारे में अपन ने बताया, सह मतलब वह, ओनली वह एक, ठीक है। और तो मतलब अब ये एक से ज्यादा है, एक और दो, तो दो है, तो हम इस किसके बारे में पढ़ेंगे? दो के बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब होगा दो, तो दो क्या करेंगे? वे दोनों, है ना, तो वे दोनों पिएंगे। क्या करेंगे? पिएंगे। तो दुग्धम पाश्यतः, वे दोनों क्या पिएंगे? दूध पिएंगे। ओके, आगे बस समझ में। उसके बाद थर्ड है ते लिखिष्यन्ति। ते मतलब क्या हो गया? फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, तीन है, ठीक है। कितने हैं? एक भी नहीं है, अपन एक के बारे में नहीं बोल रहे, दो के नहीं, सबके बारे में, ठीक है ना। तो ये सबके बारे में बोल रहे हैं, तो सब में क्या आएगा? ते, तो मतलब वे सब आ जाएंगे, ठीक है। तो वे सब लिखिष्यति, वे सब लिखेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे। पांच काल अपन जो बता रहे हैं कि क्या करने वाले, ओके, उसके बारे में, तो वे सब लिखेंगे। ते लेखम लिखिष्यन्ति, वे सब क्या लिखेंगे? लेख लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेख लिखेंगे। आगे बस समझ में। उसके बाद रमा नर्तिष्यन्ति। रमा मतलब, रमा क्या कर रही है? डांस। अब इसमें क्या आ गया? नाम आ गया। अपन क्या एक किसी का नाम बोलेंगे और क्या बोलेंगे? रमा क्या कर रही है? नाचेगी। क्या करेगी? नाचेगी, है ना, मतलब आने वाले टाइम पे नाचेगी। रमा रंगमंचे नृत्यति, तो क्या होगा? रमा रंगमंच पर नाचेगी। रंगमंच मतलब होता है स्टेज। ओके, तो वहाँ पे क्या करेगी? नाचेगी, ठीक है ना। उसके बाद है बालिके धाविष्यतः। बालिके धाविष्यतः मतलब दो लड़कियां हैं, तो दौड़ रही हैं, तो क्या लिखेंगे? दो लड़कियां दौड़ेगी। क्या करेगी? दो लड़कियां दौड़ेगी। बालिके क्रीड़ा क्षेत्र धाविष्यतः, ते वे लड़कियां खेल के मैदान में दौड़ेगी। कहाँ दौड़ेगी? खेल के मैदान में दौड़ेगी, ठीक है। उसके बाद मत्स्या तरिष्यन्ति। मत्स्या तो मछलियाँ क्या होगी? तैरेगी। कहाँ तैरेगी? मत्स्या जले तरिष्यन्ति, तो मछलियाँ जल में क्या करेगी? तैरेगी। ओके, उसके बाद एक कमलम विकसयन्ति। कमलम मतलब कमल, कहाँ कमल खिलेगा? कमल कहाँ खिलेगा? कमलम सरोवरे विकसयन्ति, कमल तालाब में खिलेगा। कहाँ खिलेगा? तालाब में खिलेगा। ओके, उसके बाद है पत्रे। पत्रे पतिष्यतः, तो दो पत्ते, कितने पत्ते दिख रहे हैं? टू दिख रहे हैं, तो दो पत्ते क्या होंगे? गिरेंगे, है ना। वृक्षात पत्रे पतिष्यतः, तो पेड़ से दो पत्र गिर रहे हैं। कहाँ से गिर रहे हैं? तो गिरेंगे, सॉरी गिरेंगे, तो कहाँ से गिरेंगे? पेड़ से दो पत्ते गिरेंगे,
ठीक है, कितने पत्ते गिरेंगे? दो पत्ते गिरेंगे। ओके, इसके बाद अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब चैप्टर जैसा दिया है, अभी तक हमने वो पढ़ा कि ये वो करेगा, अब ये ऐसा करेगा, अब ये क्या दिया है, पूरा सेंटेंस दिया, तो सेंटेंस जैसा अपन पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करें। अगह शनिवार सरह, तो आज शनिवार है, रविवार सरे छात्रा अध्यापके सह भ्रमणाय एकम रमणीयम उद्यानम गमिष्यति, ठीक है। तो आज शनिवार है और फिर क्या करेंगे, रविवार को छात्र अध्यापिकाओं के साथ कहाँ जाएंगे, घूमने, एक कहाँ पे, एक सुंदर बाग में जाएंगे। तो अपन क्या बोल रहे हैं, पास के बारे में बोल रहे हैं। तो आज क्या हो गया, शनिवार हो गया, और कल क्या है, रविवार, मतलब संडे। तो संडे को सारे बच्चे टीचर्स के साथ कहाँ जाएंगे, एक सुंदर है ना बगीचे में जाएंगे, उद्याने उद्याने पुष्पाणी विक्षयंती, क्या है, बाग में फूल खिलेंगे, ठीक है। उद्याने अनेके वृक्षा संती, बाग में अनेक पेड़ हैं, वो तो रहते ही हैं, सबको पता ही है। वृक्षस्य छायायां मोहनः श्यामः च शीतपेयं पास्यतः, पेड़ की छाया में मोहन और श्याम ठंडा पेय पियेंगे। ठंडा पेय मतलब होता है ठंडा पानी या ठंडा कोल्ड ड्रिंक। ओके, जो ठंडा कोल्ड ड्रिंक, अपन जैसे घूमने जाते हैं तो हर चीज़ ले जाते हैं ना, खाने की चीज़ें या कुछ चिप्स ले जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले जाते हैं वगैरह वगैरह, चॉकलेट जो भी हो। तो पेड़ के नीचे बैठ के कौन, मोहन और श्याम है ना, ठंडा चीज पियेंगे, जो भी हो, पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो। ओके, ततः तो ग्रहम आगिष्यामि, फिर क्या, पीने के बाद, उसके बाद वे दोनों कहाँ आएंगे, घर आएंगे, ठीक है, कहाँ आएंगे, घर आएंगे। उसके बाद ये राम विद्यालयम गमिष्यति, राम कहाँ जाएगा, विद्यालय जाएगा, सह विद्यालय पाठम पठिष्यति, वह विद्यालय में क्या करेगा, पाठ पढ़ेगा, छात्रा उद्याने गमिष्यन्ति, छात्र बाग में जाएंगे, ये उद्याने ते क्रीडि क्रीडिष्यन्ति, फिर क्या करेंगे वहाँ पे, बाग में वे सब क्या करेंगे, खेलेंगे, क्या करेंगे, वे सब जाके खेलेंगे, सरोवरे कमलानि विक्षयन्ति, सरोवर में कमल खिलेंगे। ओके, सरोवर मतलब तालाब में, ठीक है ना, तालाब में कमल खिलेंगे। पक्षिणः कोलाहलम करिष्यति, पक्षी मतलब पक्षी, पता है ना, पक्षी शोर करेंगे, बहुत चिल्लाते हैं ना पक्षी लोग सुबह सुबह, तो क्या करेंगे, शोर करेंगे। विद्यालय ईश्वर प्रार्थना भविष्यति, तदा छात्रा कक्षासु गमिष्यति, विद्यालय में ईश्वर की प्रार्थना होगी तब छात्र कक्षाओं में जाएंगे। सही है, प्रेयर होती है, प्रार्थना मतलब प्रेयर होती है, सब प्रेयर करेंगे, उसके बाद सब कहाँ जाते हैं, रोवाइज अपने अपनी क्लास में। कक्षायाम अध्यापक पाठम पाठयिष्यन्ति, जब सब लोग क्लास में चले जाते हैं तब क्या करते हैं, कक्षा में अध्यापक पाठ को पढ़ाएंगे, सही है ना। छात्रः ध्यानेन पाठम स्मरिष्यन्ति, किंचित छात्रः हसिष्यन्ति, छात्र ध्यान से पाठ को याद करेंगे, कुछ छात्र हंसेंगे, मतलब जैसे अपन कुछ पढ़ाते हैं तो कुछ मस्ती करते हैं, कुछ अपनी बात करते हैं, टीचर पढ़ाता है, और जब पढ़ाने के बाद 5 मिनट बाकी रहते हैं तो टीचर्स क्या बोलते हैं, जब तक नोट डाउन कर लो या एक बार रीड कर लो। तो कुछ बच्चे पाठ को पढ़ के हंसते हैं या कोई जोक वोक मारते हैं तो ऐसे हंसते हैं, तो ये कैसा है कि स्कूल का बता रहे कि स्कूल का रूटीन कैसा होता है या क्या होगा, ठीक है, तो क्या बता रहे हैं क्या होगा, तो इसमें पास्ट टेंस बताना, सॉरी फ्यूचर बताना, फ्यूचर मतलब आने वाला टाइम, तो आने वाले टाइम पे ऐसा करेंगे वैसा होगा। ओके, सायंकाले बालकः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीड्यन्ति, तो शाम को बच्चे खेल के मैदान में खेलेंगे, जब स्कूल की छुट्टी होती है उसके बाद शाम को सब अपने अपने घर जाते हैं, उसके बाद सब लोग कोई जाते से फ्रेश होके खेलने लगता है, थोड़ी देर कोई लंच खाना खाता है फिर खेलने जाता है, तो ये चीज़ उसमें बताई गई है। तो ये चैप्टर होता है, एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी को क्या करना है पता ही है,
फेयर कॉपी कंप्लीट करनी, होमवर्क कॉपी कंप्लीट करनी है, तो ये 9 चैप्टर है, तो 9 के पहले 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो सभी को 8 चैप्टर तक अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करनी है, उसके बाद होमवर्क कॉपी भी कंप्लीट करते हुए चलना है डेट टू डेट और डे वाइज। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।